क्या रणविजय वैजू को देगा पत्नी का हक? वैजू के लिए रणविजय की आंखों में आए आंसू। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली और मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे। टीवी सीरियल माटी से बंधी डोर में वैजू बिचारी हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी हुई है, क्योंकि रणविजय के लिए वो अपने सीने पर गोली खा लेती है। अब रणविजय को काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है। वह वैजू से हॉस्पिटल में मिलने आता है और कहता है कि तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, मैं सिर्फ और सिर्फ जया से प्यार करता हूँ, उसे ही अपनी पत्नी मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी मेरी शादी हुई है। इस पर वैजू कहती है, लेकिन मैं भी तो आपकी पत्नी हूं, मैंने बहुत बार सोचा कि मंगलसूत्र निकाल कर फेंक दूं, लेकिन मेरे संस्कार ये गवाही नहीं देते। रणविजय कहता है, मैं तुमसे प्यार तो नहीं कर सकता, पत्नी का हक नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं कि तुम मुझे अपना पति ना मानो, ये रिश्ते को ना मानो। इस बात को सुनते ही वैजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए, मैं आपके सामने इस बात घुमा फिरा के आपके सामने खड़ा कर ही देती हूँ। किस्मत क्या चाहती है, हर बार तुमसे दूर जाता हूँ और किस्मत हम दोनों को हर बार एक ही मौत में आके खड़ा कर देती है। सॉरी, ये किस लिए? किस्मत थोड़ी ना खुद आकर सारी बोल पाएगी, तो मैं नहीं बोल पाई। राजू राय के पास है, राजू जी जाने लगे। उसका सिंदूर कभी नहीं छू, समझ सकती हूँ हमारी शादी जबरदस्ती हुई, मजबूरी में हुई। मैंने भी बहुत बार सिंदूर मंगलसूत्र फेंकने की कोशिश की, लेकिन परंपराओं पर विश्वास संस्कार हाथ बांध देते थे। आप अपनी जगह सही है, हमारा रिश्ता आपके लिए बुरा सपना है, लेकिन मेरे लिए जिंदगी की हकीकत सिर्फ जया आपकी पत्नी है, मेरे लिए भी सिर्फ जयू आपकी पत्नी है। लेकिन ये सच है कि आप मेरे पति हैं और ये जगह मैं जिंदगी में किसी और को कभी नहीं दे पाऊंगी। Keep looking. पर
लड़के ने तुम्हें शादी मारने से रोकने के लिए सब कुछ तो करके दे चुका हूँ यार। जितना इस शादी को छुपाने की कोशिश करता हूँ, जितना तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ, उतना ही बड़ा हो जाता है। तुम्हारे नंदी महाराज ने हमारी बड़ी ऊंचाई जिस तरह से इस शो में इंटरेस्टिंग मोड आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर रणविजय और वैजू होंगे एक साथ। वेल, बहुत सारे ट्विस्टेड टर्न आने वाले हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।